एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर सिवान शहर के गांधी मैदान में बीजेपी के तमाम नेता, सामाजिक कार्यकर्ता सहित सभी लोग पहुंचे और महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के संदेशों को देना चाहेंगे। गांधी जी का संदेश था स्वच्छता से समृद्धि, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। हमें रोग से निजात पाना है तो समाज में स्वच्छता लानी होगी, हर प्रकार की स्वच्छता, करप्शन से स्वच्छता, घुसखोरी से स्वच्छता, अपराध से स्वच्छता। और स्वच्छ भारत बनाना है तो सिर्फ सफाई ही नहीं, इसमें हर बुराई को साफ करना होगा, तब अच्छा एक समाज निर्माण होगा। और देश की आज़ादी में जो महात्मा गांधी जी की भूमिका थी वो पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है। आज हम उनको आपके माध्यम से सत सत नमन करते हैं। कई वर्षों से ये जिला प्रशासन को ज़रूर चाहिए, हम लोग आग्रह करेंगे कि जिला प्रशासन एक ऐसा स्थान चिन्हित करे और वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति लगाए, चूँकि हमारे वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देश के नेता रह चुके हैं, लोकप्रिय नेता रहे हैं, उनकी भी आज जयंती है तो मैं उनको भी नमन करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मूर्ति का स्थापना करें। देखिए, अभी बहुत काम बाकी है, देश के आज़ादी के 75 साल पूरा होने के बाद भी बहुत सारा ऐसा चीज़ बाकी है जो हमारी सरकार कर रही है, और जो काम बाकी है उसे नरेंद्र मोदी की ही सरकार करेगी। मोदी है तो यकीन है सबको, पूरी देश की जनता को। दादी जी के जयंती के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के तहता पुष्पांजलि अर्पित किए और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत, उत्तर दिशा में हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि आने वाले समय में भारत मजबूत हो, स्वच्छ हो, इतनी कामना तय है। हम लोग पैठाठन से मान करेंगे कि छात्री जी की प्रतिमा तो जल्दी जल्दी लग रहे। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगी, और आज लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है, उनके भी श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगी। और चूंकि महात्मा गांधी का प्रत्येक वर्ष गांधी मैदान में और कई जगह शहर में उनका जयंती मनाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है शहर में
शायद कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती नहीं मनाया जाता है, तो मैं प्रशासन से आग्रह करूंगी कि उनके भी शहर में कहीं स्मारक स्थापित की जाए और उनका भी जयंती का आयोजन किया जाए, ताकि बच्चों में और लोगों में इसकी जानकारी और जागृति आए और प्रत्येक वर्ष उनकी भी जयंती धूमधाम से मनाई जाए। और चूंकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे देश की आज़ादी उन्होंने दिलवाई, और मैं आज के दिन आग्रह करूंगी कि हम सबको और हमारे आने वाले जो जनरेशन हैं उनको उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज का उत्थान करना चाहिए। नमस्कार, मैं लाफिंग बुद्धा नागेश्वर दास। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है और सत्य अहिंसा के पुजारी और सत्य अहिंसा को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे राष्ट्रपिता, उनके कर उनके बताए हुए पद चिन्हों पर हम सभी को चलना चाहिए और सत्य को धारणा करना चाहिए, अहिंसा से दूर रहना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए, भाईचारा एकता को बढ़ावा देना चाहिए। उनका यही संदेश था और इसी संदेश के साथ मैं इस जीवन को जीता हूँ और चाहता हूँ कि हर लोग इसी जीवन को जिए।